जी इस वक्त हम ये मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ बरसाला कायदे आज़म रेजिडेंसी, हिस्टोरिकल फोर्ट है। आप जब भी आएँ यहाँ पे मोस्टली वुड वर्क है और बिल्कुल रिवर साइड पे है ये गेस्ट हाउस। आप ये देख सकते हैं दरिया पूरे आबोताब से यहाँ पे चल रहा है। ये इसकी एंट्रेंस है। और ये हमारे मुसा भाई हैं जी। सर तो कैसे लगा आपको यहाँ पे आके, कायदे आज़म रेजिडेंसी आपने विज़िट किया है, ये हिस्टोरिकल फोर्ट है वार्ड मुजफ्फरबाद, यहाँ पे आके तो आपकी तरफ से ये एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ था। जैसे आपने बताया कि एक सरप्राइज़ है यहाँ पे, तो ये वाकई मैंने सुना भी नहीं हुआ था पहले, किसी ने बताया भी नहीं था कि यहाँ एक ऐसी चीज़ भी है। तो माशाल्लाह लगा, अंदर जब देखा तो बड़ा खूबसूरत मंज़र लगा। उन्होंने सारी पिक्स भी वहाँ पे लगी हुई वो भी देखी, उसकी वीडियो भी बनाई है हमने, वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। उसके अलावा ये है कि माशाल्लाह रात को जब आए हम इधर, तो आपकी तरफ से जो वेलकम किया गया वो भी बहुत, यानी कि एजुकेट टूरिस्ट पुलिस की जानब से ये बहुत मुस्बत पॉइंट था। ये कि हमारे जहन में भी नहीं होता कि यार ऐसे होगा, तो आपने आए तो मैं तो खुद शर्मिंदा था कि मैंने आपको वहाँ पर इतना वेट करवाया कि मैं लेट हो गया था काफ़ी। आप वहाँ पे मेरा इंतज़ार करते रहे, तो तकरीबन रात को 9:30 बजे मैं वहाँ पहुँचा, तो फिर आपने मज़ीद मेरे साथ बात की आगे यहाँ कोहाला तक। देखिए ना, हमारा टूरिस्ट पुलिस का ये होता है कि हम आपकी तरफ से ज़ाहिर कॉल आई थी कि आपको सफ़र में मुश्किलात पेश आ रही है, तो ज़ाहिर हमारा काम है रेस्क्यू करना। आप इतनी दूर से ट्रैकिंग करके, हाइकिंग करके कश्मीर टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए आए हैं, हमारे इस इलाके को और इको टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं, और पूरी दुनिया में कश्मीर का मुस्बत पैगाम आप देने जा रहे हैं, तो यकीनन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। ये कोई हमने कोई आप पे इस तरह की बात नहीं है, ये हमारा काम है। शुक्रिया। और हम इससे इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जितना भी हमसे हो सके, हम जो आने वाले मस्जिद मेहमान हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, उनके साथ जितना भी हो सके उनसे अच्छा बर्ताव किया जाए, उनको अच्छा जो है ना, उनको एक अच्छा जस्टिस दिया जाए कश्मीर की तरफ से इंशाल्लाह, कि कश्मीर में जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आएँ, टूरिस्ट आएँ और यहाँ पर एक टूरिज़म के सेटअप्स बने। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू।